हनुमान जयंती पर कमलजीत सहरावत करेगी कार्यक्रम की शुरुआत। बाल उत्सव रामलीला कमेटी द्वारका द्वारा आगामी हनुमान जयंती को आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए पश्चिमी दिल्ली से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी कमलजीत सहरावत को आमंत्रित किया गया। इस मौके पर कमलजीत सहरावत ने कार्यक्रम आयोजन करने की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन द्वारका में होते रहना चाहिए, जिससे लोगों में जागरूकता बने। वहीं बाल उत्सव रामलीला समिति के सदस्यों ने कहा, समिति के अध्यक्षा प्रीतमा खंडेलवाल के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, लेकिन स्वास्थ्य समस्या के कारण आज यहां पर मौजूद नहीं है। बाल उत्सव रामलीला समिति द्वारका द्वारा सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस मौके पर बाल उत्सव रामलीला समिति के महासचिव हरीश कोचर, उपाध्यक्ष ललित बिजलानी, सतीश राणा, मनमोहन शर्मा, योगेंद्र राज, उषा, प्रतिमा जैन, शुभा दुग्गल व अन्य लोग मौजूद रहे। बाल उत्सव रामलीला कमेटी से आए हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं प्रीतिमा खंडेलवाल जी, उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। और आज जो मैडम का हम इन्विटेशन देने के लिए आए थे, 23 तारीख को हमारा हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती के अवसर पे हम चाहते हैं कि जो हमारी जो MP यहाँ से खड़ी हुई हैं कमल जी सहरावत जी, उनसे हम रिक्वेस्ट करने आए हैं कि जो हमारा हनुमान जयंती होगी तो उसमें भोग हम कमल जी जैसे कराना चाहते हैं, इसलिए हम उनको इन्विटेशन दे रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ प्रतिभा खंडेलवाल जी। और हम चाहते हैं कि जो कमलजीत जी हैं वो हमारी भारी बहुमत से यहाँ से विजयी हों। हम यही चाहते हैं, हमारी जो बाल उत्सव रामलीला कमेटी है हम उनको सपोर्ट करती है, हमें सपोर्ट करती रहेगी। धन्यवाद। बाल उत्सव रामलीला कमेटी का ये प्रयास हनुमान जयंती का द्वारका में बहुत सराहनीय है, और हर धार्मिक अनुष्ठान को लेकर और बच्चों को लेकर उनमें संस्कार देने में ये संस्था हमेशा आगे रहती है। और हनुमान जी का जो ये जयंती का त्यौहार है द्वारका में, इसको मनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे द्वारका के लोगों में भी एक और अधिक आपस कहिए कि अवेयरनेस आती है। तो मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ बाल उत्सव रामलीला कमेटी। सबसे पहले तो मैं सबको रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देना चाहती हूँ। आज रामनवमी है और जय श्री राम। मैं बाल उत्सव रामलीला समिति की तरफ से शुभा दुग्गल। एक्चुअली मैम का बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा हमारी बाल राम, पहले भी इन्होंने जब भी महापौर थी तब उन्होंने द्वारका में बहुत अच्छा काम किया है, और हम उम्मीद करते कि आने वाले टाइम पर भी द्वारका को एक उज्ज्वल भविष्य देंगी। और हम चाहते हैं कि आज रामनवमी के उपलक्ष्य में राम जी का उन पर इतना कृपा रहे कि उनको पूरा भारी बहुमत से वो द्वारका से विजयी हों, हमारा यही शुभकामना उनके लिए है। और हम आज उनको एक जैसे कि हम राम जी के भक्त हैं और राम जी को सच्चे मन से उनको अपना आराध्य मानते हैं, तो हम लोग हनुमान जयंती का एक छोटा सा लंगर करने जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं हनुमान जयंती का। तो हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पर ही हम आज मैम को इनविटेशन देने आए हैं कि वो आएँ और हमारे जो हनुमान जयंती का पूजा है उसमें भोग लगा के हमारे लंगर पूजा की शुरुआत करें। और हमारी बाल रामलीला उत्सव की तरफ से, हम सब की तरफ से मैम को बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम चाहते हैं कि द्वारका को वो ऐसे ही उज्जवल भविष्य देती रहें और अपने जो उनका फील्ड है उसमें वो बहुत अच्छा काम करते रहें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। मैं ललित बिजलानी बाल उत्सव रामलीला समिति से। आज हम कमलजीत सहरावत जी के प्रांगण में आए हुए हैं। हनुमान जयंती के अवसर पर हम उनको निमंत्रण देने आए हैं, और हम चाहते हैं कि हनुमान जयंती के दिन जो हमारे लंगर का जो भोग लगे वो कमल जी सहरावत जी के हाथों से वो भोग हो। और साथ ही साथ हम ये चाहेंगे कि कमल जी सहरावत जी पूर्ण बहुमत से यहाँ से जीत के आएँ, पश्चिमी दिल्ली से जीत के आएँ, और हम चाहेंगे कि वो आगे भविष्य में द्वारका साथ में साथ ही साथ पश्चिमी दिल्ली का भविष्य को उजागर करें और देश को आगे बढ़ाएँ। जय श्री राम। हमारी दास की थी खास खबर। बाकी से तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।